करना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। चाहे लड़का हो या लड़की, सब इस समस्या से परेशान हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आपको वीडियो को पूरी देखना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाइएगा। अगर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे और इस रेमेडी का प्रॉपर फायदा, पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेमेडी को बनाना कैसे है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है एक ओनियन, और उसे ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लेना है। एक या दो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से या बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। और उस ओनियन जूस में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है। इस दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। लेकिन उस कंटेनर में हम 1/2 चम्मच या 1 चम्मच के बराबर जितना हम फेनुग्रिक सीड्स यानी मेथी दाना भी डाल देंगे। जब ये तेल डालेंगे उससे पहले उस कंटेनर में फेनुग्रिक सीड्स ऐड कर देंगे। फिर इस तेल को डाल के उस कंटेनर को 1 दिन के लिए यूं छोड़ देंगे। 1 दिन बाद हम इसी ऑयल को अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। ये ऑयल आपके बालों में एज ए टोनर, एज ए सीरम हर तरह की काम करता है। फेनुग्रिक सीड्स जो होता है आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपको हेल्दी बाल देता है, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। जब हमारे बाल हेल्दी होंगे तभी बालों से रिलेटेड सारी समस्याएं समाधान होंगी। और इसे आप एक बार बनाकर 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना होगा। इस ऑयल को अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अप्लाई करने के बाद 1 दिन ऐसे ही छोड़ दें और नेक्स्ट डे आप शैम्पू और कंडीशनर कर लें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के हेयर केयर, स्किन केयर और हेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, एक ऐसे ही अमेजिंग रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.